नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो हम बात करने वाले इस वीडियो में एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ आसाम की तरफ से जो एडवर्टाइजमेंट आया है, क्या वैकेंसी है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट अंडर द एक्साइज डिपार्टमेंट आसाम। तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, फिलिंग द एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 12 सितंबर से, इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। ठीक है, तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है इसके बात करेंगे। एंड सबसे गुड न्यूज़ है, देयर विल बी नो एप्लीकेशन फी, कोई फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट एंड वैकेंसी और इसका पे स्केल एंड क्या है ग्रेड पे किया है इसको बात करेंगे। पहला वाला है असिस्टेंट केमिस्ट का पोस्ट है, 4 पोस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पे बैंड जो है 14,000 से लेके 60,500 एंड ग्रेड पे है 6,200 का। देन असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का है 12 पोस्ट है, 12 पोस्ट, इसमें 14,000 से लेके 60,500 एंड ग्रेड पे है 6,200। उसके बाद ड्राइवर का पोस्ट है 20 पोस्ट है, 20 पोस्ट में आपको 14,000 से लेके 60,500 एंड ग्रेड पे 5,200 का है। ओके, तो इस टाइप से एंड अदर अलाउंसेस आर एज एडमिजिबल्स अंडर द रूल्स विच विल बी एडिशनल, कुछ जो भी सुविधा दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलना है एक्स्ट्रा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके लिए क्या है क्राइटेरिया, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ आसाम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 40 ईयर्स, ओके 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट दिया है लास्ट, आपका डेट दिया है 1 जनवरी 2020, बिफोर क्या है यहाँ पे बॉर्न ऑन बिफोर 1 जनवरी 2002 एंड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 1980 लास्ट होना चाहिए, उससे उसके पहले वाला नहीं अप्लाई कर सकते हैं इसको। देन कुछ रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन 5 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST SC और ST Plain और ST Hills, इनके लिए क्या है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। उसके बाद OBC एंड MOBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एंड 2 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन एंड 10 ईयर्स इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, ये तो था। देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, असिस्टेंट केमिस्ट के लिए BSc विथ केमिस्ट्री, ओके BSc एंड विथ केमिस्ट्री होना जरूरी है, केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट। आपका ग्रेजुएशन में दैट मीन्स BSc में एक सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री आपने लेके पढ़ा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन जूनियर असिस्टेंट का द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट होना जरूरी है इन एनी स्ट्रीम, ये आपको कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, एंड मस्ट हैव द पोजेस्ट अ कंप्यूटर स्किल होना जरूरी है। देन ड्राइवर के लिए क्या है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन HSLC पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड सेकेंड हैव प्रोफिशिएंसी इन ड्राइविंग, ड्राइविंग में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए एंड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओके, व्हीलर्स है ना, 4 व्हीलर्स ड्राइविंग लाइसेंस आपको LMV, ओके लाइट मोटर व्हीकल्स, इसका आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस, हेल्थ साउंड होना चाहिए, अच्छे कोई बीमार नहीं होना है, हेल्दी होना चाहिए, ये सारा चीज़ है। उसके बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट होगा 12 से, है ना, 12 से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा था हमने कितना, 12 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन, फिलिंग द एप्लीकेशन 12 सेप्टेम्बर अप टू 30 सेप्टेम्बर। सो देन उसके बाद हम बात करेंगे आपको क्या क्या अपलोड करना है। फोटोग्राफ जब अपलोड करोगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आप फोटोग्राफ लेंगे उस फोटोग्राफ 1 जनवरी 2020 से 20 के बाद वाला होना चाहिए, उससे पहले वाला फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, पुराना फोटोग्राफ आप नहीं अपलोड करेंगे, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, देन उसके बाद सिग्नेचर भी आप उसी तरह से अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करना है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर में 2 फेज में होगा, फर्स्ट फेज टेस्ट एंड सेकेंड फेज टेस्ट। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपको क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट फेज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है, टेस्ट में ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2.5 आवर्स ऑन द सब्जेक्ट एज गिवेन बिलो। द टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स विथ 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स होगा एंड OMR बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन 1 मार्क्स
एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे, देयर विल नेगेटिव मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स भी होगा, अगर आप गलत करते हैं तो हाफ मार्क्स काट दिए जाएंगे। द कैंडिडेट विल हैव टू यूज ब्लैक बॉल पेन टू आंसर द OMR बेस आंसर शीट ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट और पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट केमिस्ट एंड जूनियर असिस्टेंट। तो क्या क्या है आपके पास सिलेबस? जनरल मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी एक्सेट्रा ऑफ इंडिया इन आसाम, देन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर, ये सारा चीज़ है। हाइवर फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर के लिए क्या है? टेस्ट होगा, 1.5 आवर्स का टेस्ट होगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स विथ 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का होगा और 50 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस कंटेन 1 मार्क्स एंड देयर विल नो नेगेटिव मार्क्स। बहुत अच्छी बात है, ड्राइवर के लिए कोई नेगेटिव मार्क्स है, आप जितना भी क्वेश्चन अटेंड करना है कर सकते हैं। और आपके लिए सिलेबस क्या है? एलिमेंट्री अरिथमेटिक, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एंड बेसिक जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ये सारा चीज़ है। देन सेकेंड फेज में क्या होगा? देखिए, फर्स्ट फेज कंप्लीट करते ही जितना सीट है उसका 5 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे और सेकेंड फेज होगा। ओके, जितना आपका वहाँ पे वैकेंसी दिखाया है उसका 5 टाइम्स सेलेक्ट किया जाएंगे। द सेकेंड फेज टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपको टेस्ट किया जाएगा जिस सब्जेक्ट के लिए आप अगर क्या है केमिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, और आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, और ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग का स्किल वगैरह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सारा चीज़ होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जो होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये सारा प्रोसीड्यूर है। मेरिट लिस्ट एक ही बनेगा, सो यहाँ पे आप डिटेल्स में देख सकते हैं कितना कितना मार्क्स है। फर्स्ट फेज टेस्ट में 100 मार्क्स है, किसका? असिस्टेंट केमिस्ट का, और सेकेंड फेज टेस्ट में कंप्यूटर का 50 मार्क्स, टोटल 150 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा। उसी तरह से जूनियर असिस्टेंट्स का 100 मार्क्स एंड कंप्यूटर बेस्ड में क्या होगा आपका? 50 मार्क्स, टोटल हो गया 150 मार्क्स। लेकिन आपका जो ड्राइवर के लिए जो टेस्ट है, फर्स्ट फेज टेस्ट 50 मार्क्स का है, सेकेंड फेज टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो होगा 30 मार्क्स का, टोटल हो गया 80 मार्क्स। देयर विल बी ओनली 1 मेरिट लिस्ट, उसके बाद एक ही मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास में, आप इसको अप्लाई करिए। ऐसा नहीं सोचना है कि आपके पास वैकेंसी कम है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसी टाइप के जगह में ही हमको चांस मिलता है, जहाँ पे वैकेंसी कम होता है लोग कम अप्लाई करते हैं और आपका चांस बनता है वहाँ पे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।